मल्टीवेगर सीरीज की यात्रा को सफल बनाने के लिए आप लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, ऊर्जावान हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो लोग आज से ही मल्टीवेगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, पहले मैं उन लोगों को बता दूं कि मल्टीवेगर सीरीज एक मैराथन यात्रा के लिए निकली हुई है, जहां पर हम लोग 60 स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। 60 पेनी स्टॉक्स का कलेक्शन होगा, या फिर मल्टीबैगर सीरीज कलेक्शन होंगे स्टॉक्स के, या फिर उन स्टॉक्स की बात होगी जिसको मार्केट में बात हो रही है कि क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर है या फिर मार्केट में एक हाइप क्रिएट है। तो जितने लोग नए जुड़े हैं वो लोग समझ लें कि 1 रुपीज से लेके 10 रुपीज, 10 रुपीज से लेके 40 रुपीज और 50 रुपीज, या 50 रुपीज से 10 रुपीज और 10 रुपीज से, सॉरी 50 रुपीज से 100 रुपीज, 100 रुपीज से 200, या फिर वो कंपनियां जो कि मिड कैप कंपनियां हैं और उनके बारे में बातचीत चल रही है कि क्या वो नेक्स्ट मल्टीबैगर होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तहत ले ले, IRFC की बात हो रही है बड़ा मार्केट में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आपकी बात हो रही है मार्केट में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे हमने बहुत अच्छी सी एक वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर के उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग मल्टीवेगर सीरीज में मैराथन में लगभग 60 वीडियोस को कवर करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के। आज का जो हमने पेनी स्टॉक सेलेक्ट किया है उनका जो फॉर्मूला है, तो करंट प्राइस जो है या तो 40 रुपीज होनी चाहिए या तो 40 रुपीज से कम होनी चाहिए। अगर हम ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी या तो 5 होनी चाहिए या तो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। ROCE की बात करें, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो या तो 5 होनी चाहिए या तो 5 से कम होनी चाहिए। डिविडेंड की बात कंपनी जरूर करनी चाहिए, चाहे वो 0.5% ही हमें कमिटमेंट क्यों ना करें, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले से इस चीज को ज्यादा जोर दिया है कि जो कंपनी हमें डिविडेंड को लेकर के ऑफर कर रही है या करती है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें समझ में आ जाता है कि वह कंपनी अपने बुक में प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट कंसिडरेबल है। और दूसरी चीज, यहां पर सेंटिमेंट्स भी थोड़े समझ में आते हैं कि वो अपने इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर जो हम आप हैं, उसको एक अलग तरीके से भी ध्यान दे रही है और अपने प्रॉफिट को भी शेयर कर रही है। साथ ही साथ हमने प्रमोटर होल्डिंग को कोशिश की है कि 50 से ज्यादा रखने की, अगर 50% से किसी वजह से कम है तो उसकी वजह क्या है, वो प्लेज जो है या उन्होंने जो डेट ऑन इक्विटी दिया है या इक्विटी अगेंस्ट लोन किया है या फिर उसको डाइल्यूशन का क्या, तो ये इसका फैक्टर, इसके पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो उसको लेकर के भी हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और पूरा डेटा रिसर्च के साथ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आप तक पहुंचता है। क्योंकि तो देखिए, एक टीचर की ना अपनी जिम्मेदारी होती है, धर्म होता है, उस धर्म के नाते मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी चीज बोलूँ तो बहुत संभल करके बोलूँ, और आप लोगों को हमेशा एक चीज राय देता हूँ कि प्लीज अपने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। अगर जो आज हम लोगों ने कंपनी का सिलेक्शन किया है तो हम उसकी ट्रेडेड वैल्यू बोले तो 21 रुपीज के आसपास वो ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके हाई के बारे में बात करें तो 22 रुपीज के पास इसका हाई लगा हुआ है। अगर हम इसके लो की बात करें तो 10 रुपीज का इसका लो बना हुआ है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लो 10 रुपीज है, हाई 22 रुपीज प्लस है, और अभी 20 रुपीज, 21 रुपीज में ये ट्रेड कर रही है। तो यहां से एक पहला क्वेश्चन जहन में आता है कि दैट इज वेरी क्लोजर एंड नियरर टू द हाई, तो अब मैटर ये करता है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अचानक से मार्केट में इसको लेकर के एक विषय आता है कि ये अपने टारगेट के बड़े नजदीक है, तो हो सकता है रिजेक्शन मिल जाए ना, हो सकता है मार्केट करेक्शन मिल जाए ना, या तो हो सकता है कि कहीं ओवर वैल्यूएशन तो नहीं हो रही, ओवर वैल्यूड तो नहीं हो रही, या फिर ऐसे भी समझ में आ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसाइड ट्रेडिंग होकर ऑपरेशन की कॉस्ट हो ना, कि ऑपरेटर ऑपरेटर किसी तरीके का गेम कर रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसको निपटने का तरीका क्या है भाई, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग डिपेंडेंसी पर काम करें, लंगड़े घोड़े रहे या किसी पर डिपेंडेंट रहे। इसलिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल इस बात को लेकर कमिटेड और डेडिकेटेड है कि 1 लाख स्टूडेंट्स को हम लोग पूरी तरह से इस दुनिया में एजुकेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेट करना चाहते हैं। ये कोई सपनों की दुनिया नहीं है जहां पर हम कहेंगे कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, 500 रुपए से कैसे करोड़पति हो जाएंगे। सिंपल सा एक थ्योरी है कि हम आपको एजुकेशन के पर्पज से ही खाली डेडिकेटेड है और एजुकेशनल पर्पज से ही हम आपके साथ उपस्थित होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बार बार ये ना आ जाता है कि भाई अपने नजदीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया, तो एजुकेशन से जाएगा या
अब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहने से जाएंगे। अब यह मैं आपको प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी कीमत बताता हूँ। जब हम लोग बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स वॉज वेरी क्लोजर टू द हाई, और ऑल टाइम अगर आप देखेंगे ना तो इट वॉज वेरी क्लोजर टू हाई। कई बार क्या होता है ना कि लोग अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हैं, यहाँ पर हाई था फिर यहाँ हाई लगा करके इसको तोड़ दिया, फिर यहाँ हाई लगा करके इसको तोड़ दिया। इसका मतलब है कि लगातार वो अपने हाई हाई को तोड़ते हुए ऐसे हाई पर पहुंच जाता है कि कोविड में 65 रुपीज से अंडर ट्रेड कर रहा था, आज आपको पता ही टाटा मोटर्स क्या करते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि भैया हाई कुछ ऐसा वैसा होता नहीं है। तो सर होता क्या है, चलो हम इसको बता देते हैं। मैंने आप सभी लोगों को, जितने न्यू व्यूअर जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो नए तरीके से बता दे रहा हूँ, बाकी पुराने लोगों को तो मैंने इंजेक्शन के थ्रू याद करा दिया है। सबसे पहले किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करते, किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट नहीं करते। कहाँ करते हैं, प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं वहां भी इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले किसी भी धंधे में आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप बंदे में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप उस बंदे के विजन पे इन्वेस्ट करते हैं, और इन तीनों चीजों को जब आप मिला लेते हैं तो फिर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, जिसको हम परिणाम कहते हैं। और रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं, और इनका रिजल्ट मिलता कहाँ है, रिजल्ट्स मिलता है बुक में। रिजल्ट्स कहाँ मिलता है, इनके संविधान में, ये बुक में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसके धंधे को देख लीजिए, उसके बंदे को देख लीजिए, कंपनी का विजन देख लीजिए और कंपनी का रिजल्ट देख लीजिए, मतलब इस समय पर कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री है, क्या कहता है। तो मैंने आप लोगों को ओवरऑल इसके बारे में बता दिया कि भैया ये जो है 21 रुपीज में ट्रेड कर रही है, हाई 22 रुपीज पे है। अभी पूरी चीज पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि क्या ये कंपनी फंडामेंटली रिच है, क्या आपके ये पोर्टफोलियो में होगी या नहीं होगी। तो अब आगे चलते हैं कि ये कंपनी काम किस में करती है। तो देखो ये भाई, ये भी आप लोग जिस तरीके से देखते हैं ना, अलग अलग जीरोधा, अप स्टॉक्स, चॉइस, इस तरह से देयर नंबर ऑफ ब्रोकरेज ब्रोकरेज फॉर्म, तो ये भी ब्रोकरेज फॉर्म्स के रूप में ये कंपनी काम करती है। तो चलो देखते हैं ये क्या क्या काम करती है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले ये एसेट्स क्लासेस में काम करती है। एसेट्स में क्या काम करती है, इक्विटी में काम करती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करती है, करेंसीज कमोडिटीज में भी काम करती है। अगर हम ट्रेडिंग टूल्स की बात कर ले तो इनके पास ट्रेडिंग टर्मिनल है और फंड ट्रांसफर, तो फंड ट्रांसफर का काम भी करती है। ओवरऑल अगर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट देखें तो ई केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के थ्रू, तो ये तो सभी लोग कर रहे हैं। अगर हम मोड्स की बात करें तो ये जितने भी पीएम निधि से जुड़े हुए सारे स्कीम्स हैं उसको लेकर भी काम कर रही है। लिक्विड लोन्स में भी काम कर रही है, लिक्विड लोन्स का मतलब होता है लोन्स ऑफर करना, लिक्विड साइड। इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे अन्य कंपनियां जगह काम कर रही है तो वैसे ही ये भी काम कर रही है, जिसका मतलब इसने भी अपने चारों सेक्टर्स पर ठीक ठाक काम बना के रखा हुआ है। तो क्योंकि चारों जगह इसने अपनी प्रेजेंस बना के रखी हुई है, ठीक है ना। कई बार जैसे कई ऐसी कंपनियां ना तो इस सेक्टर्स में काम नहीं करती हैं, वो डेडिकेटेड होती है सिर्फ और सिर्फ इस सेक्टर में। तो इसने चारों जगह पर अपने आप को लेकर के रखा है, और स्टॉक रिसर्च का काम इसका सबसे बड़ा है। क्या करती है, स्टॉक रिसर्च पर सबसे ज्यादा काम करती है। तो चलो भैया इसके थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया चारों जगह आपने अच्छा खासा काम फैलाया हुआ है, तो आपका जरा हम चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट्स में देखिए तो लगातार उतार चढ़ाव आपने देखा, एक बैंड में आपने देखा कि 10 रुपीज से 14 रुपीज के भीतर, 10 रुपीज से 14 रुपीज के भीतर ये अभी तक ट्रेड कर रहा था, और अचानक से आप देखिए जनवरी में ही, और जितने भी हमने स्टॉक्स उठाए ना, अगर आपने देखा होगा पहले स्टॉक्स को, तो जनवरी में सभी लोगों ने एक अच्छा मूव दिया है, एक अच्छा साइड दिया है, इस वजह से हम लोगों ने उसको पिक किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वह 14 रुपीज के प्लस ट्रेड करते हुए आज 21 रुपीज में ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे ईयर तो ये एक ठीक ठाक एवरेजली 10 रुपीज से 14 रुपीज के बीच ट्रेड कर रही थी, फिर अचानक से जनवरी 2024 में आपके पास एक अलग मूव दिखती है, नाउ दिस इज मूविंग ऑन 21 रुपीज ट्रेड कर रही है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भैया इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, चलो इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस को तलाशने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए भी मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल दे रखा है, जितने मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन सब जानते हैं कि मैंने क्या यहाँ पे रूल दिए, बाकी जितने मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी इस चीज को समझे कि किसी भी कंपनी को रिसर्च करते समय सबसे पहले देखिए कि कंपनी कमाती कितना है, ठीक है ना, फिर उसके बाद कंपनी खर्च कितना करती है, फिर कंपनी बचाती कितना है मतलब सेविंग कितना करती है, फिर कंपनी इन्वेस्टमेंट मतलब डाइवर्सिफाई कितना करती है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर कंपनी का अगला विजन क्या है, ठीक है ना। फिर जब ये सारी चीज कैलकुलेट हो जाए तो उनकी बुक्स मांग लीजिए, और बुक्स में
पूरी चीजों को जाकर के एक बार गो थ्रू करिए, रिसर्च करिए, जिससे कि आपको एक अच्छा डेटा मिल सके। बाकी एक जिम्मेदार टीचर की तरह मैं पूरी चीज इनके वेबसाइट से लेके मनी कंट्रोल स्क्रीनर, जहां जहां इनकी प्रेजेंस है हर जगह से मैं सारा डेटा कलेक्ट कराता हूँ। इनके जो प्रेस रिलीज रहे हैं, इनके जो रिसेंट के नोट्स रहे हैं, इस सारी चीजों को मैं पहले स्टडी करता हूँ, उसके बाद आप लोग तक पहुंचाता हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट का भी धर्म होता है कि आप भी थोड़ा सा अपनी एनर्जी को खर्च करिए। तो चलिए हम लोग इस पर बातचीत करते हैं कि भैया इन लोगों ने कैसे कैसे अपनी सेल्स पर काम किया है। तो पहले क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्वार्टर के बाद हम लोग फिर फाइनल रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है 20 करोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार 20 से लेकर 24 करोड़ के बीच में ये काम किया हुआ है। 24 करोड़ के बीच में इन्होंने अपनी सेल्स रखी है 2020 से लेकर 2023 एंड तक, मतलब दिसंबर एंड तक। तो स्टार्ट किए थे 20+ करोड़ से और एंड किया 24+ करोड़ से, ठीक है ना। एक्सपेंसेस की बात करें तो थोड़ा सा रेड फ्लैग ढूंढते हैं कि कहाँ पे इन लोगों ने एक गलती कर दी कि अपने सेल से अपना एक्सपेंस ज्यादा कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेड फ्लैग देखते हैं, चलो एक जगह हमको मिल गया, बाकी उसके बाद हमें कहीं पर भी रेड फ्लैग देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इनको रेड फ्लैग है जहां पे इन्होंने अपनी सेल्स से ज्यादा अपने एक्सपेंसेस कर लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अदर इनके कॉस्ट को देख लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, ओपीएफ कॉस्ट हो, इंटरेस्ट कॉस्ट हो, या फिर डिप्रेसिएशन कॉस्ट हो, या फिर इनकी टैक्सेस कॉस्ट हो, ये सारे को हम लोगों ने मिला लिया। मिलाने के बाद हमने देखा कि भैया तुम्हारा नेट प्रॉफिट क्या है। तो अगर हम लोग थोड़ा नेट प्रॉफिट की बात करें ना, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दिसंबर 2020 में 1.85 करोड़ का ये प्रॉफिट लेते हैं। उसके बाद एक बीच में थोड़ा सा रेड फ्लैग है और एक यहाँ पर छोटा सा बहुत माइनर सा रेड फ्लैग है। उसके बाद कंपनी ने सस्टेनेबल तरीके से अपना प्रॉफिट आपको दिया है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, हर जगह आपको 3 से लेकर 1.75 करोड़ तक इन्होंने प्रॉफिट आपको दिया है। मार्च 2023 में एक रेड फ्लैग है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उन्होंने एक अच्छा ओवरकम किया है। अब आगे चलते हैं, अगर यहां पर हम देख लें तो इनको चुनने का मेरा रीजन क्या है भाई, तो हम लोगों ने देखो जो अब तक इनके प्रेस रिलीज, इनके नोट्स से, इनके फाउंडर्स के पूरे एक्टिविटीज को जो हमने ध्यान दिया कि भैया ये आगे क्या करने वाले, इनका विजन क्या है, इनका अपना एक्सपेंशन क्या है, तो उन सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा हम लोगों ने सीरियसली ध्यान दिया। तो हमने देखा कि कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब जो पे आउट कर रही डिविडेंड ना, वो 26.5% जो है ना वो डिविडेंड दे रही है। अब हमको ये लगता है ना कि जब भी डिविडेंड कोई कंपनी इतना बेहतर ऑफर कर रही होती है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी जो है ना अपने बुक में प्रॉफिटेबल है और हमारे आपके लिए इसका सेंटिमेंट थोड़े पॉजिटिव है। साथ ही साथ प्रमोटर होल्डिंग जो है ना इनकी थोड़ी सी बड़ी है, तो प्रमोटर होल्डिंग के बढ़ने और घटने के पीछे के एस्पेक्ट्स को हमको समझना होता है, उसके पीछे के पिक्चर्स को हमें समझना होता है। ऐसा नहीं कि प्रमोटर होल्डिंग घटी और प्रमोटर्स ने पैसा लिया और वो मस्त एकदम बढ़िया गोवा बीच पर घूम रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कहीं भी कंपनी के फाउंडर ने कहीं से भी अपने क्या किया, शेयर होल्डर पैटर्न को घटाया है, या फिर डेट ऑन इक्विटी आपने लिया है, या इक्विटी अगेंस्ट लोन लिया है, तो थोड़ा सा आपको इसमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन उसका सॉलिड रीजन खंगालना हमारा और आपका काम है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पर ठीक है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ, थोड़ा सा आपने देखा था सेल्स ग्रोथ जो है ना बहुत मैसिव नहीं रहा है, एक छोटे अमाउंट के साथ, एक छोटे खर्च के साथ ही रहा है, तो इसमें हम डीमेरिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 3 साल 5 साल का यह काम हो रहा है। कंपनी एज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर 3 ईयर्स में 13% का, क्योंकि देखिए ये जो ग्राफ बनता है ना, ये तो जाहिर सी बात है आप लोग इतने समय से सारे फंडामेंटल्स को रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आप लोग सीख भी गए, समझ भी गए कि भैया क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनेंशियल ईयर में जो हम 3 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसी के अनुसार को ये सीएजीआर वैल्यू मिलती है, ग्रोथ रेट मिलता है, तो ये कोई बहुत बड़ा डरावना विषय नहीं था। अब हम आते हैं इनकी जन्म कुंडली में प्रॉफिट लॉस पे, कि भैया इनका प्रॉफिट लॉस कैसा है ना। प्रॉफिट लॉस बताने से पहले आप लोगों को मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज कर देता हूं, LKP, LKP सिक्योरिटीज, आप लोग इसको जहन में लिख लीजिए और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा कि आपने कौन सी कंपनी सुनी, एल
पी ना, एक बार में अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा राइटिंग भी कर देता हूं जिससे कि आप लोग इस चीज को समझ लें। एल के पी सिक्योरिटीज, एल के पी सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो मैंने आपको कंपनी का नाम भी दे दिया है, आई होप आप सभी लोग देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे। चलिए सेल्स पर जाते हैं इनके फाइनल ईयर के। तो यहाँ पर हमने मार्च 2012 में देखा 42 करोड़, और उसके बाद लगातार हमने इनके सेल्स में ना इजाफा ही देखा है, और इसका मतलब 012 से लेकर 2023 तक अगर हम लोग देखें तो 42 करोड़ से लेकर के 80 करोड़ का सफर इन्होंने तय किया है सेल्स में। अगर हम इनके एक्सपेंसेस को देखें तो थोड़ा रेड फ्लैग लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ इनके एक्सपेंसेस इनके सेल से बढ़ गए, तो ऐसा करके हम देखते हैं कि कहीं पर हमें ऐसा मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है। इसका मतलब कंपनी ने बड़े सॉलिड तरीके से अपना काम किया हुआ है। फिर उसके बाद इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओपीएम, इंटरेस्ट या इनके जीएसटी, ये जो भी इनके टैक्सेस, इन सारी चीजों को काट पीट कर थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो भैया 2016 तक तो हम इनको बाहर कर देते हैं लिस्ट से, क्यों? क्योंकि तो लगातार इन्होंने क्या किया है, बर्न ना। बर्न का मतलब आज लोग शार्क टैंक वगैरह देख रहे होंगे आजकल, उनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उन्होंने कल्चर दिया है। आज बात स्टार्टअप्स की हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की होती है, आज इबिटा, टीटीएम ना, इस तरीके से सारे शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग हो रहा है। तो बर्न का मतलब होता है लॉस, सिंपल शब्द में, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद देख लेते हैं, जब 2017 में एंट्री करते हैं तो 2017 से जो है इनको एक बार भी रेड फ्लैग मैंने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि इसके बाद से इनके प्रॉफिट्स हमेशा बुक रहे हैं। 2023 में जो है 3.16 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट बुक रहा है। टीटीएम में इन्होंने 3.38 बताया। टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ, या ट्रेलिंग 12 मंथ भी आप इसे समझ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहे हैं, इससे पीछे का प्रीवियस अगर हटा देते हैं तो। वैसे भी मैंने कहा हिस्टोरिकल डेटा सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है, लेकिन ये नहीं कि आप 10-20 साल पहले का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, लास्ट 3 ईयर्स का हिस्टोरिकल डेटा भी आपको ओवरऑल एक आगे के लिए हेल्प कर देता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखो इनके स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आया है, सीएजीआर में ग्रोथ आया है। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल लास्ट ईयर देखें तो 63% का इनको स्टॉक प्राइस में सीएजीआर रहा है। अगर हम आरओई देखें तो आरओई मैंने आपको बताया लास्ट लास्ट ईयर में 5% रहा है, अगर उससे पहले 3 ईयर्स का देखें तो 13% रहा है। अगर हम इधर इनके कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप सभी लोग जान रहे हैं, इससे प्रीवियस इनका हमने परफॉर्मेंस और रिजल्ट देखा है, तो जहां जहां उनका निगेटिव था उसकी वजह से इनको इम्पैक्ट मिला है, लेकिन सेल्स ग्रोथ में इस साल -3% का है, एक रेड फ्लैग है। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न कौन सा है। कंपनी मतलब एलकेपी सिक्योरिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एलकेपी सिक्योरिटीज में जो प्रमोटर्स रहे हैं साहब 2020-21 में 66% के साथ, मोर देन 66% के साथ अपनी पोजिशन रखे थे। उसके बाद आप देखिए कि लगातार इन्होंने अपने स्टॉक को बढ़ाया है, और 2020-23 में जो है ना इन्होंने 71+% में अपनी होल्डिंग रखी है। इसका मतलब लगातार इन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखा है और अपनी होल्डिंग अपने पास रखा है। अगर वही हम FIIs की बात करें तो देखो FIIs की जब एंट्री हो जाती है तो हम थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि FIIs जो है फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन, बिफोर टू इन्वेस्टिंग वो क्या करता है कि एक एक पक्ष को ना बहुत ज्यादा खंगालता है। तो FIIs अगर कहीं पर पैसा लगाए होते हैं थोड़ा सा हम लोग वहां पर मैच्योर हो जाते हैं और हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन इसके अलग एक आयाम भी है जिसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो वहां पर है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही FII, अभी यहाँ अगर आपने HDFC को देखा होगा तो HDFC में अचानक से 8% का करेक्शन आया, इट वॉज द बिग नंबर, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी में 2000 आप देखे होंगे 2000 अंक नीचे बैंक निफ्टी आ गई। तो उसमें किसका रोल था, FIIs का। तो देखो मैं बार बार कहता हूँ नंबर्स को सिर्फ निकाल लेना, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैं देखता हूँ कि उनको नाम मिल जाता है, क्या LKP सिक्योरिटीज मिल गई, उनको लगता है यार। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस तरीके से तो गूगल पे जाकर कुछ भी लिखो गूगल समझ जाता है ना, ये समझना जरूरी है कि नंबर्स
सब कुछ नहीं है, उसके पीछे की स्टोरीज क्या है। तो मैंने एफ आई आई की स्टोरी बता दी, एक जगह कॉन्फिडेंस भी आता है तो एक जगह एफ आई आई जब अपना एक अच्छा पैसा निकालते हैं तो मार्केट में करेक्शन भी आता है। वो पैसा किसका होता है? हमारा आपका होता है, जो प्रॉफिट बुक करके लेकर जाते हैं। तो एफ आई आई ने 4.94% यहाँ पर रखा है और अंतिम में थोड़ा 1% इन्होंने करेक्शन ले लिया है। नाउ दे आर होल्डिंग 3.94% एग्जैक्टली, राइट। तो यहाँ पर FIIs ने भी अपना ठीक ठाक रखा है। अगर हम देखें तो 0.02% के साथ DIIs, DIIs का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन, जो हमारे देश के कैपिटलिस्ट होते हैं ना, जो हमारे देश में म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, तो वो भी अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह की कंपनियों में करे होते हैं। तो आप देखिए 0.2% के साथ आए थे और लास्ट में 0.3% के साथ यहाँ पर है। इज इट फाइन। तो यहाँ पे अगर हम पब्लिक की बात करें तो 28% 2021 में पब्लिक जो है 28% मोर देन के साथ अपनी होल्डिंग रखती थी, और 3 से 4% जो है ना यहाँ से 24.17% लास्ट में पब्लिक ने भी अपना होल्ड बना के रखा है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे ना तो इन सारी चीजों में ना कंपनी ने एक अच्छा खासा काम करके आप लोगों को दिया है। तो मैं आप सभी लोगों को ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग एलकेपी सिक्योरिटीज को लेकर अब तक जो फंडामेंटल्स देखें तो उसमें आप लोगों की साइकोलॉजी क्या कहती है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग इस पूरे मल्टीबैगर सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। मैं आशुतोष सुस्ताना आप सभी लोगों को स्वस्थ रहने व्यस्त रहने की शुभकामनाओं के साथ हैप्पी इन्वेस्टमेंट हैप्पी ट्रेडिंग कहता हूं। साइनिंग आउट।